नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएमवी न्यूज पर। दोस्तों, यह दुनिया अजब गजब रहस्यों से भरी हुई है। आज भी धरती पर ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय घाटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है, जबकि ऐसा माना जाता है कि यह घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कहीं है। इस जगह को शांग्रीला घाटी के नाम से जाना जाता है। शांग्रीला को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में से एक माना जाता है। ऐसी जगहों पर समय थम सा जाता है और लोग जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। अरुण शर्मा ने अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमयी घाटी में शांग्रीला का जिक्र किया है। उनके मुताबिक युत्सु नाम के एक लामा ने उन्हें बताया कि शांग्रीला घाटी में काल का प्रभाव नगण्य है और वहाँ मन, प्राण और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु या इंसान वहाँ अनजाने में भी चला जाए तो वह वापस दुनिया में कभी नहीं आ पाता। हालांकि युत्सु के मुताबिक वह खुद इस रहस्यमय घाटी में जा चुके हैं। उनका दावा है कि वहां ना तो सूर्य का प्रकाश था और ना ही चंद्रमा। चारों तरफ एक रहस्यमय प्रकाश फैला हुआ था। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस घाटी का जिक्र मिलता है। यह किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। इस जगह को धरती का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सिद्धाश्रम भी कहते हैं, जिसका जिक्र महाभारत से लेकर वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी मिलता है। जेम्स हिल्टन नामक लेखक ने अपनी किताब लॉस्ट होराइज़न में भी इस रहस्यमय जगह के बारे में लिखा है। हालांकि उनके मुताबिक यह एक काल्पनिक जगह है। दुनिया भर के कई लोग शांग्रीला घाटी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। कहते हैं कि इनमें से तो कई हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो गए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि चीन की सेना ने इस घाटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस जगह का पता नहीं लगा।